अवेयर एजुकेशनल हब 2012 में एस्टैब्लिश्ड वो नाम जो अपने अच्छे इंफ्रा और प्राइम लोकेशन की वजह से खूब एडमिशंस ले रहा है। ये अपना एफिलिएशन बताते हैं ग्लोकल यूनिवर्सिटी से, पर क्या हिंदुस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देना अलाउड है? क्या एमबीए और एमसीए जैसे कोर्सेज बिना एआईसीटीई अप्रूवल के कोई भी कॉलेज चला सकता है? हेलो, माय नेम इज लवेश वर्मा एंड आई रिप्रेजेंट कॉलेजेस इटली। हम लेकर आते हैं आपके सामने कॉलेजेस का पूरा सच। आज हम जानेंगे क्या है अवेयर एजुकेशनल हब का सच और साथ ही इसमें चल रहे कोर्सेज, अप्रूवल्स, इंफ्रा और बाकी फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। जहां तक बात की जाए इस कॉलेज के लोकेशन की, तो लोकेशन काफी प्रीमियम है। ये कॉलेज सेक्टर 62 नोएडा, फोर्टिस मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हालांकि कॉलेज अपनी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बट कॉलेज के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी पूरी सुविधा मौजूद है। अब एक बार नजर डालते हैं कॉलेज के इंफ्रा पर। अवेलेबल हैं, क्लासरूम्स भी ठीक ठाक बने हुए हैं, ग्राउंड ज्यादा खास नहीं है, सारे स्पोर्ट्स के लिए एक ही ग्राउंड अवेलेबल है और कैंपस के अंदर का नेटवर्क जोन काफी वीक है और कैंटीन भी ज्यादा बड़ी नहीं है। सो कैंपस को हम बेस्ट तो नहीं बट ओवरऑल एवरेज कंसीडर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके अप्रूवल्स एंड एफिलिएशन के बारे में। मैं बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि एडमिशन लेने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर ले। कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के साथ स्टैम्प पेपर पे पक्का एग्रीमेंट किया है। डिग्री जाहिर से बात है ग्लोकल यूनिवर्सिटी ही देगी, लेकिन फिर भी मेरी हिदायत है कि एक बार एडमिशन से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई कर ले। अब चलते हैं कॉलेज की फेस्ट की ओर। फेस्ट और इवेंट्स की जहां तक बात की जाए तो कॉलेज में फंक्शन और इवेंट्स तो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, बट सेलिब्रिटीज का आना जाना हमने नहीं देखा। नॉर्मल कॉलेज लेवल पे ही इवेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की। आफ्टर ऑल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो प्लेसमेंट्स के बारे में जानना तो बनता है। वैसे तो कॉलेज में काफी कंपनीज विजिट करती हैं, लाइक जेनपेट, विप्रो, टेक महिंद्रा एटसेट्रा, एंड ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ भी कॉलेज के प्लेसमेंट्स टाई अप हैं, तो टॉपर्स को प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स, जो करना है आपको खुद ही करना है। अब जानते हैं कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाए। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा मेहनत कि कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है, जाओ और ले लो एडमिशन। लेकिन एडमिशन लेने के लिए बजट भी तो देखना पड़ता है जनाब। तो आइए बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर की। जहां तक फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फी स्ट्रक्चर इज क्वाइट अफोर्डेबल, लाइक 50,000 बीबीए बीसीए पर ईयर का खर्चा आता है। और स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस मिल ही जाती है। बाकी फीस एंड कोर्सेज के जानकारी के लिए आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 7831888000 पे कॉल भी कर सकते हैं। Where our certified counselors are 24/7 available for your help. And अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक हमारे लिए एक सपोर्ट है। थैंक यू।